हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटीसीवीएस ट्यूटोरियल चैनल। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम URL एनकोड फंक्शन की मदद से किस तरह से अपने URLs को एनकोड कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास URL एनकोड के रिप्लेसमेंट में, या आप कह लीजिए कि ऑल्टरनेटिव, हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है जिसका नाम है रॉ URL एनकोड। आइए देखते हैं कि रॉ URL एनकोड और सिंपल URL एनकोड में क्या फ़र्क है। लेकिन इससे पहले मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने firstpage.php पे, ब्राउजर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अगर हम किसी भी वाइट स्पेस पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स के ऑप्शन पे क्लिक करें, तमाम ब्राउजर्स के अंदर आपको ये व्यू पेज सोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपके पास एक नया टैब ओपन हो जाता है और वहाँ पे आपको ये कोड कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन में ताकि आपको क्लियरली नजर आ सके। तो देखिए कि हमारा जो लिंक बन रहा है वो लिंक क्या है, second_page.php। फिर यहां से हमारी जो है वो क्यूरी स्ट्रिंग शुरू हो रही है, आईडी इज इक्वल टू 2, एंड यहां से हमारी दूसरी क्यूरी स्ट्रिंग शुरू हो रही है, कंपनी इज इक्वल टू जॉनसन प्लस परसेंटेज 26 प्लस जॉनसन। अब ये परसेंटेज 26 का क्या मतलब है? यहां पर आप देखिए डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास, चूंकि अगर आप कोड में देखें तो हम यहां पर चूंकि इस जॉनसन एंड जॉनसन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो एम्परसेंट का साइन है वो यहाँ पर हमारे पास रिप्लेस हो गया है परसेंटेज 26 के साथ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो URL एनकोड फंक्शन है वो कन्वर्ट कर देगा आपके उस स्पेशल करेक्टर को हेक्साडेसिमल वैल्यू के अंदर। लेकिन ये प्लस और प्लस का क्या मतलब है? अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जहाँ हमने जॉनसन एंड जॉनसन टाइप किया है, वहाँ पर एम्परसेंट के साइन से पहले और एम्परसेंट के साइन के फौरन बाद एक स्पेस मौजूद है, तो आपके URL encode फंक्शन ने उस स्पेस को रिप्लेस कर दिया प्लस साइन से। ये बात ध्यान में रखिए कि आप अपने URLs के अंदर स्पेसेस नहीं ऐड कर सकते, लेकिन अगर आप उन्हें ऐड करेंगे तो फिर आप उन्हें URL encode या रॉ URL encode की मदद से एनकोड करते हुए फिर इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर प्लस साइन के आने से हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? बजाय यहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ये बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिए कि यहाँ पर तो हम अपने जो क्यूरी स्ट्रिंग्स हैं वो खुद से क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी क्यूरी स्ट्रिंग्स ऐसी वैल्यूज पर मुश्तमिल होंगी जो कि डेटाबेस में से उठ के आ रही होंगी, इस सूरत में जो आपका वेब सर्वर है, जो कि ज़्यादातर केसेस में अपाची वेब सर्वर है, तो अपाची वेब सर्वर जो है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर कहीं पर क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर स्पेसेस का इस्तेमाल किया जा रहा होगा तो उन स्पेसेस को रिप्लेस कर दिया जाएगा कुछ खास कैरेक्टर्स से, और वो खास कैरेक्टर्स प्लस साइंस नहीं है। तो फिर वो क्या है, आइए देखते हैं। हम दोबारा से अपने इस पेज में जाते हैं और जहां हमने URL एनकोड का इस्तेमाल किया वहां हम सिंपली रॉ का वर्ड ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये एक अलग फंक्शन है रॉ URL एनकोड। हम इसे सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आते हैं और इस पेज को रीलोड करते हैं और दोबारा से राइट क्लिक करके हम पेज सोर्स को देखते हैं और यहां पर देखिए कि कंपनी इज इक्वल टू जॉनसन परसेंटेज 20 परसेंटेज 26 परसेंटेज 20, यानी आपकी स्पेसेस रिप्लेस हो गई हैं परसेंटेज 20 की हेक्साडेसिमल वैल्यूज के साथ, और यही वो चीज है जो कि आपका अपाची सर्वर एक्सपेक्ट कर रहा है, तवक्को कर रहा है कि अगर कहीं स्पेस होगी तो उस स्पेस को रिप्लेस कर दिया गया होगा परसेंटेज 20 की हेक्साडेसिमल वैल्यू के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कोशिश कीजिए कि सिंपल जो URL एनकोड है उसकी जगह रॉ URL एनकोड फंक्शन को इस्तेमाल करें, और खास तौर पे अगर आपने अपने लिंक के जो क्यूरी स्ट्रिंग से पहले तक का हिस्सा है, जैसे कि second_page.php, ये आपका क्यूरी स्ट्रिंग से पहले तक का हिस्सा है, अगर इसे एनकोड करना हो तो सिंपल URL एनकोड फंक्शन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपकी क्यूरी स्ट्रिंग्स भी साथ मौजूद हो तो फिर बेहतर होगा कि आप URL एनकोड की जगह रॉ URL एनकोड फंक्शन को इस्तेमाल करें।